हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग विगत वर्षों में जो संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्न आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, बजाने वाला यंत्र, तो यह वीणा है। कौन सा है? वीणा। वीणा का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी हुआ है, वैदिक साहित्य में हुआ है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती है और सरस्वती जो है वीणा से वीणा बजाती है, इसलिए तो भारतीय सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है। सितार, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में ये जो है सितार का आविष्कार किया था। सितार जो है वीणा और तंबूरा को मिलाकर बनाया गया है। सितार कैसे बनाया गया है? सितार बजाने वाला यंत्र है, उसको वीणा और तंबूरा के साथ मिलाकर बनाया गया है। कोरकू लोक नृत्य कहाँ का है? कोरकू लोक नृत्य, कोरकू लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है कोरकू लोक नृत्य। ध्यान रखिए, कोरकू लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। उसके बाद झूमर कहाँ का है लोक नृत्य? झूमर लोक नृत्य जो है हरियाणा का है। झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। और मुखना कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर जो है वो मुखना जो है मणिपुर का है। मुखना जो है एक मलयुद्ध है, मुखना जो है एक मलयुद्ध है, ठीक है। मुखना क्या है? एक मलयुद्ध है। और हरोवा त्योहार मणिपुर में लाई हरोवा हरा ओवा त्यौहार होता है। हरा ओवा त्यौहार, लाई हरा ओवा त्यौहार होता है। इसी के जो है आखिरी दिन, आखिरी दिन जो है मुखना त्यौहार मनाया जाता है। थाली कहाँ का लोक नृत्य है? थाली जो है कहाँ का लोक नृत्य है? थाली जो है वो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। थाली जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य है। थाली जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? वो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है? नृत्य है, है ना। तो कुचिपुड़ी जो है भरत मुनि ने नाट शास्त्र लिखा था, भरत मुनि ने नाट शास्त्र लिखा था, नाटक कुचिपुड़ी नाट शास्त्र लिखा था। और इसमें जो है धर्म एवं अध्यात्म का प्रहसन किया जाता है, नाटक किया जाता है, धर्म एवं अध्यात्म का इसमें नाटक किया जाता है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी नृत्य है। और ये जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो कृष्णा जिला है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला है, और उसी कृष्णा जिला में कुचिपुड़ी एक गांव है, और उसी गांव के नाम पर ये कुचिपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक। उसके बाद इसमें जो जो प्रसिद्ध लोक मतलब कुचिपुड़ी की जो प्रसिद्ध डांसर है उनका नाम जान लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, भावना रेड्डी और राजा रेड्डी। भावना रेड्डी कृष्ण जो है राजा रेड्डी, ये सब जो है इसका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का है। ओडिया कहाँ का है? उड़ीसा। लोकनृत्य ये भी उड़ीसा का है।
कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उड़िया लोक नृत्य जो है उड़ीसा का नेचुरल बात है। उसके बाद लोहो कहाँ का? लोहो लोक नृत्य कहाँ का है? तो मेघालय का है। लोहो नृत्य जो है वो मेघालय का है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। लोहो मेघालय का लोक नृत्य है और नाटी हिमाचल का लोक नृत्य है ना। उसके बाद बंबू या खानटून, बंबू खानटून लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये दोनों लोक नृत्य मिजोरम का है। बंबू खानटून ये मिजोरम का है। लोहो मेघालय का है, बंबू खानटू मिजोरम का लोक नृत्य है, नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो याद रखिएगा सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले कुषाण काल में हुआ है। कुषाण काल में सुर्खी का प्रयोग हुआ है। सुर्खी मकान बनाने में प्रयोग होता था। और मथुरा से दो स्तंभ मिला है जहां सुर्खी का प्रयोग किया जाता था, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ। तीसरा स्तंभ जो है 200 बीसी से 100 एडी के बीच का है और ये 400 एडी से पांचवा जो स्तंभ है 400 एडी से 600 एडी का बीच है, उस स्तंभ में सुर्खी का प्रयोग किया गया है। सुर्खी का प्रयोग कुषाण काल में किया गया है। कुषाण काल में मथुरा में एक जगह में सुर्खी का जो स्तंभ है उसमें मिला है, दो स्तंभ पर मिला है, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ। तीसरा स्तंभ 200 बीसी से 100 एडी का है, जो कुषाण काल का एप्रोप्रिएट पीरियड है। तो इसका आंसर जो है कुषाण काल, सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले भारत में कुषाण काल में हुआ। एक आजकल सांस्कृतिक विलंबना एक वर्ड काफी फेमस हो गया है, सांस्कृतिक विलंबना। ये सांस्कृतिक विलंबना क्या है? अगर हम आपसे क्वेश्चन कर ले कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है, तो 1922 में एक सोशल थिंकर थे ऑगबॉर्न ने एक किताब लिखा सोशल चेंज। और उन्होंने कहा कि किसी भी संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष होता है, एक अभौतिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष में जो आपको जो चीज दिखाई पड़ता है, जैसे कलम कपड़ा हुआ, स्वेटर हुआ, घड़ी हुआ, ये सब भौतिक पक्ष है। अभौतिक पक्ष में विचार होता है जो अमूर्त होता है। भौतिक पक्ष मूर्त होता है और अभौतिक पक्ष जो है अमूर्त होता है, जैसे दर्शन हुआ, विचार हुआ, ये सब अमूर्त पक्ष है। तो कहा जाता है कि जब विकास शुरू होता है तो भौतिक पक्ष आगे बढ़ जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे छूट जाता है। तो इसको सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। होना यह चाहिए कि अभौतिक पक्ष जो विचार पक्ष है वो आगे होना चाहिए, समाज का विचार आगे होना चाहिए और समाज का जो भौतिक पक्ष है उसके पीछे होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, जब हम विकास करने लगते हैं उसका भौतिक पक्ष आगे हो जाता है और अभौतिक पक्ष पीछे की ओर हो जाता है। ये ऑगबॉर्न का कहना है। और सच्चाई यह है, इसे समाज में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, वो सांस्कृतिक विलंबना का ही परिणाम है। सांस्कृतिक विलंबना का ही परिणाम। जो भी आप सोशल आज प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो अब लोग तकनीकी का प्रयोग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ एक विचार भी चाहिए एक समाज को। तो जो विचार समाज में नहीं है, है ना, तो इसलिए देखते हैं आप जितना भी सोशल क्राइम आज बढ़ रहा है तो वो सब सांस्कृतिक विलंबना के कारण ही हो रहा है। वो सब जो क्राइम बढ़ रहा है सोशल क्राइम, वो सांस्कृतिक विलंबना का परिणाम है। जिस समाज का विचार पक्ष मजबूत होगा वो समाज कभी भी अधोपतन की ओर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। कथकली, कथकली ये पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। कथकली किसे किया जाता है? इसको पुरुष कलाकार करते हैं। इसको ये कथा आधारित नाटक है।
ये क्या है, कथा आधारित नाटक है। इस नृत्य को कथकली को पुरुष कलाकार करते हैं और कथा आधारित नाटक है। और इसको जो है आप कह सकते हैं इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, इसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इसको पुनः प्रतिष्ठा किया गया था, ये प्राचीन कला लोक नृत्य है और इसको पुनः प्रतिष्ठा किया गया है। और पुनः प्रतिष्ठा करने वाले हैं केरल के केरल कला मंडलम के संस्थापक हैं, उन्होंने ही इसको जो है कथकली को फिर से पुनः प्रतिष्ठित किया है। उनका नाम है बल्लाथोम नारायण मेघना। कथकली पुरुष कलाकार करते हैं, कथा आधारित नाटक है, ये मुखौटा नृत्य इसको कहा जाता है क्योंकि मुखौटा पहन के किया जाता है। इसको पुनः प्रतिष्ठा करने वाले हैं केरल कला मंडलम के संस्थापक बल्लाथोम नारायण मेघना, ये जो है इनको अति किए थे। इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं कृष्ण कुट्टी जो है एक प्रमुख कलाकार है, उसके बाद माधवन आनंद है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, शिवरावन है, उदय शंकर है, रामगोपाल है, ये सब जो है इसके जो है कथकली के मुख्य नायक जो क्या कहते हैं कथकली के मुख्य अभिनेता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये भारतीय संगीत का राग वर्गीकरण इन्होंने किया था, भारतीय संगीत का राग वर्गीकरण किसने किया था, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने भारतीय संगीत का राग वर्गीकरण किया। वेंकटा माही जो है भारत का जो राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, उसको संगीत लिपिबद्ध किया था, वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया था। वेंकटा माही ने भारतीय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया था, है ना। श्याम शास्त्री जो है वह कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक है। कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक कौन है श्याम शास्त्री। अमीर खुसरो जो है वो क्या है, तो हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी का जो है अमीर खुसरो ही इसको चलाया था। बाल मुरली कृष्ण, बाल मुरली कृष्ण जो है वह कर्नाटक गायन के प्रसिद्ध गायक है। ठीक। मीता पंडित हिंदुस्तानी जो गायन है वो करती है मीता पंडित।
बालमुरली कृष्ण कर्नाटक गायन संगीत से जुड़े हुए हैं। कन्याकुमारी क्या करती है? कन्याकुमारी वायलिन बजाती है। कन्याकुमारी वायलिन बजाती है, वायलिन एक वाद्य है, यंत्र है, उसी को वो बजाती है। निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं। निखिल बनर्जी क्या करते हैं? वो सितार बजाते हैं। निखिल बनर्जी क्या करते हैं? वो सितार बजाते हैं। कवलम पनिक्कर, के एम पनिक्कर, कवलम पनिक्कर, कवलम नारायण पनिक्कर, के एम पनिक्कर है ना, ये क्या है? के एम पनिक्कर तो ये जो है रंगमंच से जुड़े हुए हैं। के एम पनिक्कर जो है रंगमंच से जुड़े हुए हैं। ये काफी इनका सविला टैगोर, सविला टैगोर फिल्म से जुड़ी हुई है, सिनेमा से। के एम पनिक्कर रंगमंच से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति हैं, है ना। उसके बाद बाल मुरली कृष्ण के बारे में चर्चा कर ही दिए हैं, कर्नाटक गायन से, कर्नाटक संगीत से हैं। अच्छा, सोनल माल सिंह जो है वो दो नृत्य से जुड़ी हुई है। सोनल माल सिंह ओडिसी से भी जुड़ी हुई है और भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई है। सोनल माल सिंह जो है ओडिसी नृत्य से भी जुड़ी हुई है और भरतनाट्यम से भी यह जुड़ी हुई है। अमिता शेरगिल चित्रकार है, चित्रकला करती है, पेंटिंग करती है। अमिता शेरगिल वो चित्रकला करती है। अमिता शेरगिल वो क्या करती है? चित्रकला से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी आमटे किससे जुड़ी हुई है? मंदाकिनी आमटे वो समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी हुई है। सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी हुई है मंदाकिनी आमटे, समाज सेवा और सामुदायिक नेतृत्व से जुड़ी हुई है। ठीक, मंदाकिनी आमटे काफी। नीलम मान सिंह चौधरी, नीलम मान सिंह चौधरी जो है वह किससे जुड़ी हुई है? तो वह नाट्य निर्देशक है। नीलम मान सिंह चौधरी वह नाट्य निर्देशक है। रोमिला थापर के बारे में जानते ही होंगे, इतिहास लेखक क्या है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाती थी। ये इतिहास लेखिका है, ये मार्क्सवादी इतिहास लेखिका है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वनश्री राय जो है वो, वनश्री राय वो जो है नृत्य से जुड़ी हुई है। वनश्री राय क्या करती है? डांस करती है। भारत में कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार लोग हैं, पेंटर लोग हैं, जिसमें अमिता शेरगिल का तो मैंने नाम बता ही दिया है, विकास भट्टाचार्य, विकास भट्टाचार्य, ये भी अमिता शेरगिल, सभी जो है पेंटर है, चित्रकला करती है, है ना। उसके बाद एस एस बेदरे, एस एस बेदरे ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है पेंटर है। सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता, ये सब जो है पेंटर में आते हैं। भीमसेन जोशी क्या है? गायक है। भीमसेन जोशी क्या है? वो गायक है, है ना। और रुक्मिणी देवी अरुणदेव, रुक्मिणी देवी अरुणदेव जो है वो नर्तकी है, वो डांस करती है। ठीक, रुक्मिणी देवी अरुणदेव क्या करती है? और सुशांत त्रिपाठी निराला, ये क्या है? कविता लिखते हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखने वाले यही है। अनामिका इनका कविता संग्रह है, तो ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है, है ना। बिरजू महाराज किस चीज से जुड़े हुए हैं? बिरजू महाराज कथक से, बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। ठीक, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं,
जाकिर हुसैन तबला वादक है, बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, है ना। उसके बाद उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, है ना। और क्या नाम है, रोनू मजुमदार किससे जुड़े हुए हैं, रोनू मजुमदार, रोनू का पूरा नाम है राजेंद्र नाथ, लेकिन लोग प्यार से इनको रोनू कहते हैं। रोनू मजुमदार का पूरा नाम है राजेंद्र नाथ मजुमदार, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी जो है रोनू मजुमदार बजाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और मधुप मुदगल, मधुप मुदगल ये किस चीज से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, मधुप मुदगल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ये जुड़े हुए हैं, है ना। और संगीत अकादमी ये किस चीज का, संगीत भारतीय संगीत अकादमी जो है ये किस चीज को बढ़ावा देता है, तो देखिए 28 जनवरी 1953 को इसका स्थापना हुआ था, संगीत अकादमी का स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही इसको जो है स्थापित किया था, संगीत नाटक संगीत अकादमी को। और संगीत अकादमी जो है तीन चीज का प्रोत्साहन का काम करते, नृत्य नाटक और संगीत। संगीत अकादमी नृत्य नाटक और संगीत के विकास के लिए काम करती है, दिल्ली में है इसका मुख्यालय। 28 जनवरी 1953 को इसका उद्घाटन किया गया था उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए, और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आगे का जो भी जो लास्ट ईयर विगत वर्षों के प्रश्न है, जो कला संस्कृति के प्रश्न है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का आप लोग जितना फायदा उठा सकते हैं उठाइए, संघ लोक सेवा आयोग तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो रामबाण है। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरे ख्याल से इतिहास में आपको कभी भी अन्यत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उन लोगों के लिए यह वीडियो आवश्यक है जो भारतीय इतिहास की एक अच्छी समझ बनाना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।